सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ट्राई करते हैं और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ इस तरह से एरर शो होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, ट्राई अगेन, रिट्राई कुछ करके, तो आपको आज मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना होगा जिससे आपका जो ट्राई अगेन रिट्राई वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और आपको एक और बात बता दूं, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपकी कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई होगी, बट जो है जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहां पर मैं 4 से 5 सॉल्यूशन बताऊंगा जिनको आप अपने यहां पर मोबाइल में ट्राई करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों और जान लेते हैं हमें क्या क्या करना होगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करिए नीचे, और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी डेट एंड सेटिंग, जो आपकी होती है डेट वाली सेटिंग, आपको वहाँ पर आ जाना है। गाइस, जैसे कि आप देख पाएंगे एडिशनल सेटिंग में मेरी डेट एंड टाइम है, यहाँ पर डेट एंड टाइम पर जाइए। और आप जो है डेट एंड टाइम अगर आपका मोबाइल का जो है गलत है तो ऐसे में आपको रिट्राई की प्रॉब्लम आएगी, आपका प्ले स्टोर वर्क नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ऑटोमेटिक को बंद करिए और यहाँ पर डेट और अपनी जो है टाइम, इन दोनों को जो है सेट कर लीजिए, प्रॉपर टाइम एंड डेट रखिए, तो आपकी जो रिट्राई वाली प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप बैक आइए दोस्तों। बैक आने के बाद सेटिंग में ही आपको एप्स पर आना है और मैनेज एप्स पर आना है। यहाँ पर आपकी सभी एप्लीकेशंस होती हैं, इस ऑप्शन में आप सभी एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल पे लिखिए, यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ मैं। जैसे कि आप देख पाएंगे गूगल प्ले स्टोर आ चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर आपको क्लियर डाटा यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर डाटा, क्लियर डाटा आपको इसका कर देना है। यहाँ पर क्लियर डाटा मैं कर देता हूँ, आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे अनइंस्टॉल अपडेट, आपको जो है अनइंस्टॉल अपडेट्स पर भी क्लिक कर देना है। बस आपको ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक बार फिर से जाइए प्ले स्टोर पर और यहाँ पर देख पाएंगे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, इसको फोर्स स्टॉप कर दीजिए दोस्तों। फोर्स स्टॉप करने के बाद क्लियर डाटा पर आइए और फिर से जो है एक बार क्लियर डाटा कर दीजिए, आपको इतना काम कर देना और बैक आ जाना है दोस्तों। बैक आने के बाद आप यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस, इसी की जो यहाँ पर जो है वो सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर इस पर भी आइए और इसका भी जो है क्लियर डाटा आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कैसे कर दीजिए और यहाँ पर मैनेज एप्स पर जाकर जो है क्लियर ऑल डाटा इसका कर दीजिए। बस आपको ये काम कर लेना है दोस्तों और उसके बाद बैक आ जाना, और आप जो है अब अपना प्ले स्टोर जो है यहाँ पर चलाकर देख सकते हैं आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जिस भी यहाँ पर गूगल अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ है, आपको इस गूगल अकाउंट को एक बार यहाँ से रिमूव करना है। और रिमूव कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर अकाउंट एंड सेंड, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे गूगल, गूगल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इस पर टैप करना है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी आपका वो अकाउंट था यहाँ से रिमूव कर देना है। आपको रिमूव कैसे करना है, सपोज कर लीजिए ये वो अकाउंट है, यहाँ पर टैप करना है इस पर। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे मोर का ऑप्शन है, मोर पर क्लिक करिए। मोर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे रिमूव अकाउंट, आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है रिमूव अकाउंट पर, और यहाँ पर जो आपका अकाउंट है रिमूव हो जाएगा। आप दोबारा से आप जो है यहाँ पर अपना अकाउंट जो है फिर से डालकर लॉग इन कर सकते हैं, या फिर किसी न्यू अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन करके आप जो है अपने प्ले स्टोर को यूज करके देख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोस्तों फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फाइनली क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। आपको फाइनली एक काम करना होगा, आपको नीचे आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है, एक बार अपना प्लेस यहाँ पर एरोप्लेन मोड है, जो फ्लाइट मोड बोलते हैं जिसको, आपको इसको एक बार ऑन कर लेना है, अनेबल कर लेना है। अगर वहां पर फिर से जो अपना नेट आपका चालू होगा तो फिर से आपको अपना प्ले स्टोर जो है ओपन करके देखना है प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे अबाउट फोन,
अबाउट फोन में आने के बाद आपको यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आकर आपको अपनी सेटिंग जो होती है अपने मोबाइल की, सिर्फ सेटिंग का ऑप्शन अगर आपके मोबाइल में है, बैकअप रीसेट सेटिंग यहाँ पर देख पाएंगे, इरेज ओल्ड डाटा। अगर यहाँ पर आपका सेटिंग का ऑप्शन है, सिर्फ आप अपनी सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, तो आप रीसेट कर लीजिए सेटिंग को, नहीं तो आप जो है पूरे फोन को रीसेट करना पड़ेगा आपको। और अपना रीसेट करने से पहले अपने फोन को जो भी डाटा है आपके मोबाइल का, वो किसी और यहाँ पर अपने लैपटॉप या फिर किसी और डिवाइस में डाल लीजिए, ताकि आप जब भी इसको रीसेट करो तो आपका डाटा बच जाए, डिलीट ना हो। बस आपको फाइनली यही काम करना होगा अगर आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो दोस्तों। और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, सभी सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी भी सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।